डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। NTAUGCNET कम्युनिकेशन पेपर फर्स्ट क्लास 3 आज किस क्लास में बात करने वाले दोस्तों इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि कक्षा में प्रभावी संचार किस तरह से किया जाता है और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है। इसमें से दोस्तों पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये टॉपिक काफी इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। कक्षा संचार क्लासरूम कम्युनिकेशन, ऐसे देखा जाए तो दोस्तों कोई भी जाके क्लास के अंदर पढ़ा सकता है, लेकिन हमने सुना है ना कि यार वो टीचर हमारी क्लास में बहुत अच्छा था। हम आज भी बहुत से टीचर उनको याद रखते हैं, लेकिन कई टीचर ऐसे और उनको हम ये कहते हैं यार वो टीचर तो काफ़ी गंदा था, उसको तो बोलने की भी तमीज़ नहीं थी, उसे तो बोलना भी नहीं आता, ठीक है ऐसे हम कहते हैं। तो क्लास में पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, क्लास के अंदर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर, और इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि साथ के साथ कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावी भूमिका अदा करता है। आज डिजिटल युग हो गया है, हम अपने अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट नोट करवा रहा हूँ। शिक्षण कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब सबसे पहले आप इसको याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन का, क्या उद्देश्य होते हैं, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना, कोग्नेटिव एबिलिटी बिल्डअप करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उससे बच्चे के अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, समझ बढ़े, आवेदन बढ़े, विश्लेषण यानी कि चीज़ों को समझने की, उनको एनालिसिस करने की उनके अंदर एबिलिटी बढ़े, वो हर चीज़ पे मान लो को अच्छे से तर्क वितर्क कर सके। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने बता दी वही उनको समझे और वही उनको माने, नहीं, अगर बच्चे के अंदर कुछ डाउट है तो उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो, ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ इस पॉइंट में से क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हम भी लाइव क्लास के अंदर जो लाइव मॉक टेस्ट होता है उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन करवाएंगे, आपको बताएंगे कि इसमें से किस तरह से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए कक्षा संचार करने के लिए, अच्छा कक्षा संचार करने के लिए हमारे पास शिक्षक विद्यार्थी संदेश अनुदेशन विधियाँ यानी कि काफ़ी तरह की चीज़ें होती है, उसके ऊपर हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल एक टीचर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासरूम कम्युनिकेशन करने की बेटर, इसके अलावा जो स्टूडेंट है स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे तरीके से ध्यान से सुने। अगर हमारा मीडियम सही नहीं होगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा शोर हो रहा है, तो भी हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होगा। तो काफ़ी तरह के एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कक्षा संचार में निम्न चार सोपान क्या हो सकते हैं, क्या मुख्य बातें हो सकती है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। नंबर एक पे है दोस्तों शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप करना हमारा सबसे पहला काम है। देखिए मान के चलिए अगर कोई टीचर है पहली बार आ रहा है क्लास को पढ़ाने के लिए, अगर उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका सही नहीं है, वो बोरिंग हमें लग रहा है, वो एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, तो हम उसमें चाहे कितनी भी नॉलेज हो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, इसका तो पढ़ाने का तरीका ही अच्छा नहीं है, इसमें ये जब पढ़ाते हैं तो नींद आने लगती है, ठीक है, इस तरह के विचार आने लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए कि स्टूडेंट को एंटरटेनमेंट भी हो, एडुटेनमेंट बोलते हैं वैसे इसको, एडुटेनमेंट मीन्स एजुकेशन भी दे हम और एंटरटेनमेंट भी हो, दोनों चीज़ें एक एक साथ चलती रहे, तब हमारा अच्छा कम्युनिकेशन होगा और तभी हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ बने रहेंगे। कई बार ऐसा होता है क्लास के अंदर कि मान लो शुरू के अंदर हमें बोरिंग लगने लगती है क्लास, तो फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सर, बाद में चाहे कुछ भी कह दे लेकिन बाद में हम ध्यान नहीं देते, शुरू में हम 5-10 मिनट उसको समझने की कोशिश करते टीचर को, लेकिन अगर वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता तो आगे भी उसको हम अच्छे से नहीं सुनते। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है विषय वस्तु को संगठित करना, ऑर्गेनाइज कंटेंट मैटर, जो भी हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों उसको अच्छे से हमें ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, हमें इस तरह से कोई चीज़ बतानी चाहिए एक कहानी के रूप में बतानी चाहिए, वही बात आ रही है ना एंटरटेनमेंट, यानी कि इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए कोई भी विषय वस्तु है जो एक कहानी के रूप में लगे, उनको मज़ा आए, संगठित तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे कई बार ये कहते हैं ना जब स्टूडेंट क्लास के अंदर हम कहते हैं कि लेसन पढ़िए, लेसन पढ़ते हैं तो वो रट्टा सा मार देते हैं, बस एक एक लाइन में एक रेल सी बांध देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, समस्याओं को सामने रखना चाहिए, उसका कालक्रम के अनुसार घटनाओं के अनुसार प्रक्रियाओं का वर्णन करना चाहिए, भाई पहले ये था फिर ये था फिर ये था फिर ये था, स्टेप बाई स्टेप हमें चीज़ें बतानी चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। नंबर तीन पे दोस्तों हमारे पास उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं दोस्तों छात्रों को उनके महत्व पर बल देना चाहिए, मुख्य बिंदुओं को बार बार बताना चाहिए, और अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो हमें नोट भी करवानी चाहिए, हमें स्टूडेंट को कहना चाहिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, और या फिर ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप एग्जाम्पल दीजिए उस पर कुछ कहानी बताइए ताकि स्टूडेंट उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, ये पॉइंट बताया था संज्ञानात्मक अनुच्छेत्र के बारे में बताया था, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, इस पर हमने 1 मिनट लगाया था, अच्छे से लगाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमने रिपीट भी की थी वो चीज़ें, तो यही चीज़ हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको रिपीट करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए चीज को। नंबर चार पे आता है दोस्तों हमारे पास फीडबैक आता है, फीडबैक होना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों, अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमें स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया, और पूछना चाहिए खड़े करके भाई हाँ मैंने ये जो पढ़ाया है इसमें से इसका मतलब क्या है, इस तरह से हम पूछेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, तो ये फीडबैक होना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे इसके साथ साथ दोस्तों फीडबैक के अंदर अगर हम स्टूडेंट को फीडबैक दे रहा है और उसमें ये कह रहा है कि सर इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमें ये स्टडी मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, तो हमें उनके अनुसार काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसमें चार तरह की चीज़ आती है जो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर एक पे है दोस्तों शिक्षकों के लिए सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, टीचर के लिए क्या क्या सिद्धांत है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, संदेश नियत मैसेज डिजाइन करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है, और नंबर तीन पे शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए क्या सिद्धांत है, नंबर चार पे अनुकूल शिक्षण वातावरण एनवायरमेंट के लिए क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। नंबर एक पे दोस्तों शिक्षकों के लिए सिद्धांत क्या हो सकते हैं, एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना, ये काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, जब भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर तो हमें पूरे एनवायरमेंट देखना चाहिए, ऐसा ना हो, देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले हम किसी क्लास को पढ़ा रहे थे उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, कोई भी बात बताते थे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी, लेकिन अगली क्लास आई उसके अंदर क्या है कि जो
स्टूडेंट हैं वो वीक है, उनको अच्छे से समझ में नहीं आता, तो हमें वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप में बदलाव लेके आना जरूरी है। हमें इरिटेट नहीं होना, हमें उनके अनुसार ढलना जरूरी है। हमें ये देखना चाहिए कि छात्रों के अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या उनके अंदर दुर्बलता है, क्या कमी है और क्या अच्छाई है, दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, उसी के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। दो पे दोस्तों हमारे पास विषय वस्तु में दक्षता का विकास, यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको समय समय पे उसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, अभी हमने पहले नोट्स बनाए हुए थे, धीरे 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 जैसे जैसे एग्ज़ाम होते उसको हम एनालिसिस करते कि क्या नया आया है, उसी के अनुसार हम नोट्स को अपडेट करते। अभी सितंबर 2020 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अनुसार हमने सभी नोट्स अपडेट किए और धीरे धीरे सभी नोट्स अपडेट कर रहे हैं। और आप सभी दोस्तों से भी हम फीडबैक लेते रहते हैं कि अगर आपको कोई कमी लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। और अब भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको हम में कुछ कमी लगती है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और UGC ने भी दोस्तों छोटे छोटे कोर्सेज चलाए हुए हैं टीचर के लिए, ताकि वो अच्छे से अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके और समय के अनुसार वो चल सके। नंबर तीन पे दोस्तों शिक्षार्थियों को समझना, यानी कि हमारे जो लर्नर हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हमने पहले ऊपर भी बता दी थी आपको कि अगर एनवायरनमेंट के अनुसार हम चलेंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकेगा। हमें ये देखना चाहिए कि जो छात्र है, छात्र को पहले से जानकारी कितनी है। अब मान के चलिए कि हम कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बेसिक से समझा रहे हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरे को आता ही है, ये जो बता रहा है ना ये तो मेरे को आता ही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो फिर सारे स्टूडेंट ऐसे कहें क्या ये टीचर है, क्या ये चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो हमें पहले क्लास के अंदर पूछ लेना चाहिए भाई आपको कहाँ तक आता है, किस लेवल तक आता है, आपको बेसिक चीज़ें आती है नहीं आती। अगर वो कहते भाई हाँ सर मेरे को आती है, बेसिक चीज़ें आती हैं, तो हमें एक दो क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए उनसे बेसिक चीज़ों से। अगर वो सही है तो हमें आगे फिर पढ़ाना चाहिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर चार पे दोस्तों प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि हमारे बोलने का लहजा किस तरह का है, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट गुस्से में बोल रहा है या फिर कुछ भी काम नहीं करके लेके आए, तो हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना है, हमें मारना है या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमें क्लास के अंदर हंसमुख रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर पाँच पे दोस्तों हमारे पास शिक्षा विज्ञान और छात्र के दृष्टिकोण, इन दोनों के मिश्रण से कक्षा संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा पॉइंट है वो शिक्षक केंद्रित भी होना चाहिए और स्टूडेंट केंद्रित भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित क्या है भाई, ऐसा ना हो कि टीचर ही टीचर बताया जा रहा, तो वो क्या हो गया, शिक्षक केंद्रित हो गया। लेकिन अगर हम सारी की सारी बातें पूछें, स्टूडेंट से पूछें, तो वो क्या हो गया, स्टूडेंट केंद्रित हो गया। लेकिन हमें क्या है, मिक्सअप करना है। मिक्सअप की जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, जैसे हमने कुछ चीज़ बताई उसके बाद स्टूडेंट से पूछना चाहिए किस तरह से आपको लगी, क्या लगी, उनसे सवाल जवाब करने चाहिए। तो दोनों मिक्स होना चाहिए, मिक्स होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें कक्षा में संचार और भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख भी अपनाना चाहिए। यानी कि मान के चलिए अगर कोई किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हमें ये देखिए हमारा टारगेट मान के चलिए ये हो सकता है भाई हमें 7 दिन के अंदर ये लेसन कंप्लीट करना है, लेकिन हमें ये लगा दूसरे दिन यार स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज़ दोबारा अगले दिन बतानी चाहिए। जो हमने टारगेट रखा था 7 दिन का, वो 8 दिन कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। यानी कि लचीलापन होना उसके अंदर ज़रूरी है स्टूडेंट के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों संदेश नियत करने के सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन। जब हम मैसेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किस तरह का मैसेज होना चाहिए। नंबर एक पे है स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य, क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो भी हम बता रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और उसका एक सही उद्देश्य होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में स्मार्ट भी कहते हैं। स्मार्ट मीन्स एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मेजरेबल, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए,
टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए, यानी कि एस जो भी हम टास्क दे रहे हैं उसका एक टाइम होना चाहिए, भाई ये कब तक करना है, कब तक हमें काम करना है, रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा टास्क देना चाहिए, ऐसा मैसेज होना चाहिए जो हम जिसको हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, जो हमारा मैसेज डिज़ाइन है वो किस तरह का होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ये चीज़ आप इसमें देख लेना। और इसमें से मे भी पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें से पहले एक क्वेश्चन आया था। आगे हम बात करते हैं नंबर दो पे, उचित अनुक्रम, प्रॉपर सीक्वेंस। ये चीज़ हमने पहले भी बात की थी जब टीचर की हम बात कर रहे थे कि टीचर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वही चीज़ अब मैसेज के अंदर आती है। दोस्तों हमारा मैसेज ऐसा होना चाहिए, एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, ये नहीं है कि कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, इस तरह से ऊटपटांग चीज़ें हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं नंबर तीन पे, सुबोध भाषा का उपयोग, यानी कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आ जाए, ऐसी नहीं कि टेक्निकल चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए नॉर्मल भाषा में पानी है, पानी को कोई भी समझ जाएगा भी पानी क्या चीज होती है, लेकिन अगर हम कहीं पे कहीं H2O लेके आओ, अगला क्या पता समझे ही ना H2O क्या होता है। तो हमें टेक्निकल चीज़ों का यूज़ नहीं करना, हमें ऐसी भाषा का यूज़ करना है जो सभी समझ सके। पहले सबसे पहले हमें क्या है क्या करना है, सिंपल भाषा का यूज़ करना है, उसके बाद में हम बता सकते हैं भाई इसको टेक्निकली ये कहा जाता है। तो इस तरह की हमारी भाषा होनी चाहिए। उचित प्रक्रिया, राइट सिंबल, यानी कि जो हम प्रतीक यूज कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसको सभी जानते हो, एक्यूरेट सिंबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई भी सिंबल बना दें, ऐसे नहीं होने चाहिए। नंबर पाँच पे प्रासंगिक अभ्यास, रिलेवेंट प्रैक्टिस, यह विद्यार्थियों के कक्षा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। जो भी हम प्रैक्टिस दे रहे हैं वो हमारे जो स्टूडेंट है स्टूडेंट को ध्यान में रख के देनी चाहिए, भाई ये इतनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए। नंबर छः पे उदाहरण एवं दृष्टांत, यानी कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से समझ सके और उनकी ज़िंदगी से रिलेट हो, ऐसे उदाहरण हमें देने चाहिए, आसान उदाहरण देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरी स्टोरी नहीं गानी हमें, यानी कि मान के चलिए एक छोटी सी बात समझाने के लिए, ये नहीं है कि हम पूरी पौने घंटे की एक स्टोरी सुना दें, नहीं, उदाहरण हो, ऐसा हो, एक्यूरेट हो, कम समय में हो, सही से समझ में आने वाला हो। आगे हम बात करते हैं शिक्षण विधि और मीडिया चयन के लिए क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। नंबर एक पे प्रासंगिक और उचित विधियों एवं मीडिया का चयन, सिलेक्ट रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया, यानी कि इस तरह का चुनाव करना चाहिए जो शिक्षार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों के लिए उपलब्ध हो सके। मान के चलिए अगर हम ये कहने लगे कि हम तो स्मार्टफोन फ़ोन पे पढ़ाएंगे, भाई आगे से सारी जो क्लासे होंगी वो स्मार्टफोन पे होगी, हो सकता है स्टूडेंट के पास सभी के पास स्मार्टफोन ना हो, तो हमें ऐसे मीडियम का चयन करना चाहिए जो सभी के लिए सुलभ हो, सभी के लिए एक्यूरेट हो, इस तरह का हमें सेलेक्ट करना जरूरी है। बात करते हैं विविध विधियों एवं मीडिया का उपयोग करना, यूज वैरायटी ऑफ मेथड एंड मीडिया। अगर देखिए क्लास के अंदर हमें अलग अलग मेथड का भी यूज करना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कभी हमने यूट्यूब से पढ़ा दिया, कभी जूम से पढ़ा दिया, कभी किसी तरीके से पढ़ा दिया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक निरसता नहीं आएगी, बोरिंग नहीं लगेगा स्टूडेंट को। मीडिया का चयन भी हम कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों का चयन कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए रिकॉर्डेड वीडियो हम अभी डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में स्टूडेंट को मजा नहीं आता, तो हम समय समय पे लाइव वीडियो भी लेते रहते हैं, इससे क्या है कि इंटरेस्ट बना रहता है। तो यही हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो हम चेंज भी हमें करना चाहिए समय समय के साथ में। आगे हम बात करते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का यूज, ऐसा होना चाहिए हमारा मीडिया जो एक्यूरेट हो, बढ़िया हो, ऐसा हमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, भाई इसके अंदर यार ये प्रॉब्लम है तो कोई नहीं यार इससे काम चला लेते हैं, एक धक्का सा देना वो नहीं होना चाहिए। अपने में जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके टेक्निकली उतनी ज़्यादा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब आपने भी देखा होगा हमारे अंदर जो स्टूडेंट 2 साल पहले पढ़ता था हमसे, वो स्टूडेंट आज बता सकता है कि हमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और धीरे धीरे हम कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों में विभिन्न मीडिया का एकीकरण, या को ये नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षण पृथक पृथक है,
उदाहरण के लिए अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद उस पर चर्चा भी हो ताकि विद्यार्थी उसके संदेश अर्थ को आत्मसात कर सके। यानी कि जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं तो उस पर बात करना ज़रूरी है। ये नहीं लगे स्टूडेंट को कि यार ये तो मान लो ऑनलाइन पढ़ा के तो यार बिल्कुल ख़राब कर दिया है, कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, यानी कि ऐसा बोरिंग नहीं लगना चाहिए उनको। उनको अगर हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं ना तो ऑनलाइन भी उस पर बातचीत करनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ हम क्लास के अंदर ही है। अब अपनी मैं बात बताता हूँ, अपने जब हम ऑनलाइन लाइव टीचिंग करते तो सभी स्टूडेंट को ऐसे लगता कि हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। आप भी आना, लाइव क्लास के अंदर आना। कल हम कोशिश करेंगे, आपको हमारी ऐप के अंदर सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है कि कब लाइव क्लास होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और लाइव क्लास हम लेंगे, जरूर लेंगे। अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। शिक्षा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना, ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। जो ये ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसके अंदर ये गड़बड़ी करते हैं, एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट रख लेते हैं। मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है, 250 300 300 स्टूडेंट होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा भी बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीमित संख्या होनी चाहिए। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, अच्छे तरीके से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अच्छे से बैठने की व्यवस्था नहीं है, गर्मी हो रही है, तो क्या है कि स्टूडेंट का वैसे मन नहीं लगेगा। छात्रों के साथ सामर्थ्य और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। वही बात आ रही है कि छात्रों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको अच्छे से समझना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बार बार सवाल पूछ रहा है तो हमें उससे इरिटेशन नहीं रखना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कोई नहीं, सवाल पूछ रहा है इसके हम जवाब देंगे, उससे कतराना नहीं चाहिए हमें उससे। तो उसके साथ सामंजस्य बिठाना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना, हम जब भी हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम बैठाना ज़रूरी है कि स्टूडेंट अपना फीडबैक दे सके। समय समय पे हमें उनको मौका भी देना चाहिए, भाई अभी 15 मिनट पढ़ाएंगे, 15 मिनट के बाद आपको सभी को मौका मिलेगा, आप हमें अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये होना ज़रूरी है। नवोन्वेषण के लिए प्रेरित करना, एनकरेज इनोवेशन, यानी कि नई नई चीज़ें बनाने के लिए एनकरेज करना, नई नई विचार लेके आने के लिए बढ़ावा देना। प्रबलन प्रदान करना, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें प्रशंसा, पुरस्कार, सामाजिक मान्यता आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रबल प्रदान किया जाता है। यानी कि हाँ, हमें क्लास के अंदर ऐसा करना चाहिए जब भी कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इससे क्या है कि स्टूडेंट आगे ज़्यादा बढ़ेगा और उसका मन लगेगा और दूसरे स्टूडेंट है वो भी प्रेरित होंगे, उनकी भी इच्छा होगी भाई यार अगली बार मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे को भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है और कोई कमी नज़र आई है तो आप हमें ज़रूर 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 बताना दोस्तों। आप सभी के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।